नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में जिसमें आज हम लोग बात करेंगे शरदकाल के इस गन्ने में किस तरीके से हमारा जो गन्ने के बीच में जो खरपतवार हैं वो किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं, हमारे गन्ने की उत्पादकता को हवास करते हैं, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रासायनिक चीज़ों के माध्यम से, रासायनिक और केमिकल के माध्यम से हम इन खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करें या इनका कैसे निदान करें। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं शिवनंदन जी, और उन्हें नमस्कार शिवनंदन जी आपका सर। और हमारे साथ हैं श्री रामचंद जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे। नमस्कार डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे कि हमारे गन्ने में, जो हमारे उत्तराखंड में जो प्राय हमारे शरदकाल के गन्ने में ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं जिससे हमारे गन्ना काशकार रूबरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शिवनंदन जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं हमारे जो ये शरदकाल में गन्ने में दिखाई दे रहे हैं। सर, जो खरपतवार हैं सर, एक तो मकोए है सर, दूब घास है सर, और सर मोथा है जी। ये देखिए, मोथे का प्रकोप हमारे जो शरदकाल के गन्ने में बहुत देखा जाता है, और ये जो मोथा है, ये मोथा भयानक तरीके से जो है हमारे गन्ने की जो फसल है उसको प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मोथा से, या ये जो मकोए है, या जो दूब है, ये सभी चीज़ें जो है हमारे गन्ने की जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करती हैं। क्योंकि शरदकाल में बहुत ही अच्छा उत्पादन अगर हमारे गन्ना काशकार को करना है तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे शिवनंदन जी कि किस तरीके से हमारे गन्ना काशकार ये शरदकाल के गन्ने में कौन सी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे कि ये जो समस्याएं खरपतवार की, इनका निदान हो सके। डॉक्टर साहब, हमने बुवाई गन्ने की करा के उसके बाद में हमने इसमें एट्राजिन का दूसरे तीसरे दिन हमने इसमें स्प्रे करा दिया था। उसके बाद में हमने पहली सिंचाई के बाद में, जब हमारे बीट्स थोड़े बड़े हो गए, 2-3 लीव्स के वगैरह हो गए, जिसमें लगभग 55-60 दिन के हो गए, फिर हमने उसमें डॉक्टर साहब मेट्रीब्यूजन और 2,4-D का सॉल्यूशन बना के स्प्रे कराया था। उसके बाद में जैसे ही 90 दिन का हो जाता है प्लांट, और जो भी हमारे कुछ हैवी बीट्स होते हैं, जैसे मान लो ये मोथा घास है और ये दूब घास है, और ये जाती नहीं इन चीज़ों से, तो हमने इसमें डॉक्टर साहब मोथा के लिए तो धनुका का सैंपरा आता है, तो हमने सर डॉक्टर साहब उसका स्प्रे करवाया था, तो ये मोथा उससे काफ़ी हद तक लगभग 80% 90% उससे चला गया। और दूब घास है डॉक्टर साहब, हमने इसमें टिंजर का प्रयोग करा था सर। डॉक्टर साहब, जो टिंजर है तो बासेब की आती है, तो डॉक्टर साहब ये दूब घास के लिए उस पर प्रयोग करा था, तो ये काफ़ी बीट्स इस दवाई से हमने कंट्रोल कर लिए थे, और बहुत कम मात्रा में हमारे, देखो बीट बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे आपको, और बहुत अच्छी तरीके से ओटम प्लांट भी हमने कवर कर ली थी। तो आपने बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि किस तरीके से आपने जो ये खरपतवार नाशी थे इनका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी इसमें गन्ने के बीच में किसी भी तरीके की जो है ये खरपतवार नहीं है, या ये वीड्स नहीं है। मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने टिंजर का नाम लिया, आपने कितनी मात्रा हमारे गन्ना काशकार डालें जिससे कि हम माने कि 1 एकड़ के हिसाब से, जिससे कि जो खरपतवार है वो हमारे गन्ने में ना आए। डॉक्टर साहब, 150 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, जिसमें 200 लीटर आपको पानी डालना है 1 एकड़ के लिए, आपको स्प्रे करना है। अब चूंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो नमी, हमारे गन्ना काशकार ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके खरपतवारों को डालें तो नमी का उपयोग ज़रूर करें। तो इसी के साथ साथ मेरे सभी चाहने वालों को नमस्कार दोस्तों।